Music is a language that doesn't speak in particular words, it speaks in emotions. Hey guys, this is me, Eva, your host for the podcast 9XM Soundcast. In today's episode of 9XM Soundcast, I am meeting one of the most prolific singers that we have today. His voice has a distinct identity of its own, and his songs have touched our hearts time and again. Be it Ikk Kudi from Urta Punjab, Radha from Jab Harry Met Sejal, Daryaa in Manmarziyaan, and my favorite Rabba and Ik Tuhi from Mausam. We have the amazing Shahid Mallya in the 9XM studio today. Thank you so much for calling. आप बताएं शाहिद अपनी जर्नी के बारे में कितनी इंस्पायरिंग जर्नी रही है आपकी. टीवी सीरियल्स में थोड़ा जल्दी इजीली चांस मिल जाता था क्योंकि उसमें बैकिंग वोकल्स बहुत होती थी, आलाप वगैरह बहुत होते थे और क्योंकि टीवी सीरियल है एपिसोडिक जो होते हैं या फिर जो धारावाहिक जो क्या बोलते हैं उसको डेली सोप डेली सोप्स तो ड्रामा बहुत ज़्यादा होता है उसमें, ड्रामा ट्रेजेडी तो उसमें आलाप बहुत ज़्यादा चाहिए होते हैं कि मत मारो छोड़ दो ऐसा ऐसा सब. अच्छी बात ये थी कि वहाँ बहुत कुछ सीखने मिला माइक पे कैसे क्या हो रहा है क्या नहीं, और कभी कभार कुछ लाइनें भी गाने मिल जाती थी कुछ सिचुएशनल तो ऐसा लगता था जैसे ये गाना बन जाएगा और ये गाना सब तक पहुंचेगा तो कुछ ना कुछ और अच्छा होगा, अच्छा काम मिलेगा. बहुत लर्निंग था वो पीरियड जो था. और बचपन में आपने क्लासिकल म्यूज़िक की ट्रेनिंग ली है? जी हाँ, मैं अपने उस्तादों के एकेडमीज के बाहर या उनके जो सीख रहे होते थे बच्चे वहाँ बाहर खड़े रह के सीखता था. मैं अंदर जाने के पैसे नहीं होते थे. मेरे पापा फिरोजपुर पंजाब से हैं और मेरी मम्मी हैं राजस्थान श्रीगंगानगर से, तो दोनों ही म्यूज़िक में जो स्टेट्स बहुत रिच हैं म्यूज़िकली, और आई एम लकी कि मैं वहाँ पैदा हुआ और मुझे वहाँ की जो मौसीकी है संगीत है वो समझ में आया थोड़ा बहुत. और मेरे पापा 70s से 80s के बीच में बॉम्बे में थे, फिर वापस गए पंजाब. तो उनका एक्सीडेंट हो गया बहुत बड़ा, काफ़ी साल तक बेड पे थे वो, फिर स्कूल जाने लग गए. हम लोग ने बॉम्बे के सपने छोड़ दिए हमने, क्योंकि जब पापा ही वहाँ नहीं रह पा रहे हैं तो हम लोग वहाँ क्या करें. और उनके ड्रीम को हम लोग जी रहे थे, मतलब देख रहे थे वो क्या, मम्मी से बात करते थे यार यार मैं ये करना चाहता था वो बनना चाहता था मेरा तो सपना ही टूट गया ये है वो. तो वो बचपन से ना एक फिल्म स्टोरी की तरह ऐसा दिमाग में हमारे बचपन से ही दिमाग में चल रहा था. थोड़े थोड़े बड़े हो रहे थे, स्कूल में गए कॉलेज में गए, हम इतना कर पा रहे थे कि हम कॉम्पिटिशन में जाके फर्स्ट प्राइज़ ले आते, कभी सेकेंड, कभी कॉन्सोलेशन प्राइज़, कभी शाबाशी, लेकिन मोस्टली फर्स्ट प्राइज़ ही होते थे. तो घर वालों को थोड़ा हौसला होने लगा, उनकी बातें फिर चेंज हो गई, बदल गई बातें, जो पहले जो निराशा वाली बातें थी वो आशा में बदलने लगी. उन्होंने सोचा कि कहने लगे वो जो हमारे सुनने में आया कि शायद बड़ा हो रहा है, देखो अच्छा गा रहा है, अच्छे लोग उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, शहर के लोग ये लोग कलेक्टर साहब एसपी साहब सब लोग उसको लाइक कर रहे हैं, प्रिंसिपल और जगह जगह से वो अवार्ड्स लेके आ रहा है गाने में, स्कूल कॉम्पिटिशन में कॉलेज में, तो ये आपका नाम रोशन करेगा, क्यों टेंशन ले रहे हैं आप, ये है. मैंने कहा ये क्या कहानी है, मतलब इतना मुश्किल स्ट्रगल मुझसे तो नहीं होगा भाई बम्बई जाके, मैं तो किसी कॉलेज में प्रोफेसर बन जाऊँगा म्यूज़िक का या किसी और सब्जेक्ट का, सुबह 10 बजे जाऊँगा शाम को 5 बजे आ जाऊँगा, ये मेरा सोचना था उस वक्त. लेकिन वो सपना थोड़े दिन तक रहा, उसके बाद मुझे कॉलेज से कुछ स्कॉलरशिप मिली, तो इतने पैसे मेरे पॉकेट में देख के मैंने कहा यार अब तो स्ट्रगल कर सकता हूँ मैं इससे, तो मैंने उस पैसे से बिना पूछे मेरे और पापा की बॉम्बे की टिकट करवा दी मैंने. तो मैंने जितने फ्रेंड रिश्तेदार दोस्त ये सब छोड़ के मैंने कहा पापा का सपना पूरा करूँगा. काफ़ी वक्त लगा, वो फिल्मों में तो बातें बहुत ईजी लगती हैं लेकिन वो करने में सच में एक अरसा गुजर गया, और मैं आपको बयान भी नहीं कर सकता कि किस किस तरह की मुश्किलें हमने देखी. म्यूज़िक डायरेक्टर बोलते हैं कि प्रोड्यूसर से मिलो, प्रोड्यूसर बोलते हैं म्यूज़िक डायरेक्टर से मिलो, और म्यूज़िक डायरेक्टर कभी कोई बोलता है डायरेक्टर से मिलो, मैं कहता हूँ मिलें किससे आखिर, कौन हमें चांस देगा, किसी राशन की दुकान वाले से थोड़ी मिल सकते हैं कि आप हमसे गाना गवाइए. खैर हौसला नहीं छोड़ा हमने, मम्मी पापा ने बहुत साथ दिया, बोला कि नहीं हमारा बेटा कुछ करेगा ही, बनेगा तो सिंगर ही बनेगा, और कोई ऐसा काम नहीं किया हमने जिससे सिंगिंग में कुछ रुकावट हो. तो मैं फिर वो सीरियल्स हो गए या फिर किसी गाने में, मैं तबला भी बजाता, मैंने तबला भी बजाता था, मैं पर्कशन भी बजाता था, मैं कोरस भी गाता था. तो मैंने हौसला और धीरज बना के रखा, और फिर मुझे कुमार मिले, कुमार लिरिसिस्ट मिले,
और उनसे दोस्ती हुई, फिर हमने साथ में ही शुरू किया. वो गाने लिखते थे पंजाबी में, मैं उसको हिंदी में लिख के ट्रांसलेट करता था. तो उनके गाने जहाँ भी प्रेजेंट होते थे वो पंजाबी से फिर हिंदी में ट्रांसलेट करके हम प्रेजेंट करते थे. फिर हम दोनों में एक डील हुई कुमार और मेरे में कि हम दोनों ही मेहनत कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, अगर मैं कुछ कर पाया पहले तो मैं तुझे खींच लूँगा, अगर तूने पहले कुछ कर लिया तो तू मुझे खींच लेना. तो इतनी अच्छी दोस्ती आज भी हमारी है. Wow. और आई एम लक्की के पहले उनको मौका मिला, क्योंकि वो मेरे से बड़े हैं और मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ बहुत. तो उनको चांस मिला, मैं बहुत खुश हुआ और उन्होंने फिर हर जगह मेरे नाम से मुझे बुलाया, वहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाया लोगों से. फिर उनमें से प्रीतम दास एक बार मिलवाया. प्रीतम दास से मिलवाने के बाद एक साल बाद दादा ने पूछा कि आप एक गाना गाएंगे मेरा, तो मैंने मना कर दिया. बोले क्यों क्यों नहीं गाएंगे? मैंने बोला मैं सर बहुत बिजी हूँ. हाँ इतना मगर सर आप मुझे ऐसे पूछ रहे हैं ना, इसलिए मैंने जवाब दिया कि आप मेरा गाना गाएंगे क्या, मतलब आप तो ऐसे पूछ रहे हैं जैसे मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ और मेरे पास टाइम ही नहीं है. तो हंसने लगे. गा दो यार, मैंने आपकी तारीफ सुनी है, ये है वो है. फिर हमने वहाँ से जो शुरुआत हुई उसके बाद ये पॉडकास्ट तक आ गए हम लोग. वाओ अमेजिंग. शाहिद बताएं कि आपने आपकी वॉइस में जो ये थ्रो है वो आपने, ये जो भी टेक्निकलिटीज होती हैं सिंगिंग की, वो आपने कैसे सीखी, कहाँ से सीखी? मुझे भी नहीं पता मैंने कहाँ से सीखी, लेकिन मेरा एक यकीन और शौक था कि मुझे वो सब सीखना है जिससे मेरी आवाज़ सामने वाले को अच्छी लगे. और मैं हमेशा आज भी वर्कआउट इस पर करता हूँ. कोई चीज़ मुझे अपनी ही अच्छी नहीं लगती तो मैं उसको पॉलिश करता हूँ और अच्छी करने की कोशिश करता हूँ. मैं गायकी में कुछ गानों से चीज़ें उठाते रहता हूँ, उठाते तो पता भी नहीं चलता किसी को. और मैं अपने उस गाने में अपने शोज में ऐड करते रहता हूँ और कोशिश करता हूँ कि अच्छा लगे, फिर अच्छा लगता भी है लोगों. तो आपने किन लेजेंडरी सिंगर्स और उस्तादों को सुनना है और उनसे सीखा है? ऑफ कोर्स रफ़ी साहब सबसे पहले हैं, और उसके बाद में लता जी हैं. उस एरा के तो सारे सिंगर्स महान हैं. मैं किन का नाम लूँ, बड़े मुँह छोटी बात है. और उसके बाद फिर गुलामली साहब को सुनना शुरू किया, तो उनकी तैयारी सुन के ही खाली मज़ा आ जाता है. उनको गाना तो दूर की बात है, तो उनकी एक गज़ल गा लेने से ही गला थोड़ा चलने लगता है, इतना अच्छा उनका वो है. और जहाँ तक रही फीलिंग्स और अदायगी की बात, वो रफ़ी साहब और लता जी से बेहतर कोई नहीं हो सकता. और कोई ऐसी गज़ल जो आपके दिल के बहुत करीब है, जो आपको लगता है कि बडिंग सिंगर्स को सुननी चाहिए, सीखनी चाहिए? गज़लें बहुत सारी हैं, मैं तो कहता हूँ सारी गज़लें सुनिए और हर गज़ल को पहले तो ठीक से सुनिए, फिर उसके अंदर जो अशार हैं, शेर हैं, उनको समझिए, फिर अपने आप अदायगी आपको आएगी. क्योंकि आपने जब फील को महसूस कर लिया कि मेरी मोहब्बत कबूल कर लो, गरीब शायर के आंसुओं का हकीर तोहफा कबूल कर लो, ये रफ़ी साहब की गज़ल है नॉन फिल्म. तो मेनली गज़ल में ज़रूरी नहीं कि गला ही घूमे, ज़रूरी ये है कि आपके दिल की बात सामने के दिल तक पहुँचे, सामने वाले के. तो रफ़ी साहब की गज़ल के मैं कोशिश करता हूँ दो लाइनें. मेरे मुहब्बत कबूल कर लो, है मेरे मुहब्बत कबूल कर लो, गरीब शायर के आंसुओं का हकीर तोहफा कबूल कर लो. मेरे मुहब्बत कबूल कर लो, है. अमेजिंग. शायद आपकी गायकी में ख़ास बात ये है कि आपने लिरिक्स को बहुत ही ज़्यादा अहम इम्पोर्टेंस दिया है, और आपने लिरिक्स को बहुत ही अच्छे से समझकर उनको महसूस करके हमेशा आप गाते हैं. तो ख़ास करके इवन फॉर अ सॉन्ग लाइक राधा, विच इज़ लाइक अ पेपी नाइस फन नंबर, वो स्टार्टिंग का जो मुखड़ा है, इट इज़ माई फेवरेट इन द सॉन्ग. मैंने सुनिधि जी के साथ गाया है,
तो बहुत ही मेरे लिए भाग्य की बात है. How was the experience जब आपने रिकॉर्ड किया? I was very excited and happy कि इतनी बड़ी सिंगर हैं वो और बहुत सुरीली बहुत अच्छा गाती हैं. मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ. रिकॉर्ड होने के बाद जब गाना बाहर आया तो शाहरुख खान साहब, अनुष्का जी, इम्तियाज अली, प्रीतम, इरशाद कामिल, सुनिधि जी, मतलब मेरे लिए एक पूरा बुके था ये एक्साइटमेंट का. लाइक एज अ सिंगर अगर किसी को सीखना है कि किस तरह से जब गाना पहली बार आप देखते हैं और उन लिरिक्स को समझ के किस तरह से आपको ट्रीट करना चाहिए एज अ सिंगर. बहुत सारी चीज़ें पोइट्री में होती हैं. कंपोजर अगर आपको बोलते हैं कि थोड़ा ये फील है, वो फील है, थोड़ा ऐसा करना है, वो ऐड ऑन कर सकते हैं आप, लेकिन 80% कंटेंट आपकी लिरिक्स में ही है, लिखा हुआ होता है कि ऐसा ऐसा है. तो जैसे कि पहले के सिंगर्स पूरी स्क्रिप्ट को कम से कम 20 बार पढ़ते थे, भले वो बाद में ट्यून समझते थे, बाद में वो रिकॉर्ड करते थे. तो पोइट्री जो स्क्रिप्ट है, गाने का जो शैली है, उसको हर एक शब्द को ढंग से पढ़ के समझ लें अपने आप. जितना आपका एक्सपीरियंस है लाइफ के साथ, अगर कहीं से रिलेट कर पाते हैं आप तो उसको रिलेट करिए, ताकि आप अपना एसेंस दे सकें, अपना कन्विक्शन गाने में डाल सकें और गाने को अपना सकें. गाने को अपनाना बहुत ज़रूरी है. आप किसी की नकल करते हैं और किसी की तरह गा के अगर इम्प्रेस करना चाहते हैं तो फिर आप खुद ही इम्प्रेस हो रहे हैं. तो मेरे हिसाब से अपना जितना आप डालेंगे गाने में, गाने को अपनाने के बाद वो लोगों तक पहुँचेगा और आपको अप्रिशिएशन मिलेगा. वाओ, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस. टॉकिंग मोर अबाउट रफ़ी साहब, बताएं शाहिद की उनका आपकी लाइफ में कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस रहा है? ज़्यादा कम की बात ही नहीं, बहुत ज़्यादा है आज भी और रहेगा, क्योंकि पापा मेरे उनके स्टूडेंट हैं, खुद को उनका शिष्य मानते हैं और सारी दुनिया उनके शिष्य हैं रफ़ी साहब की, और उनको गुरु मानते हैं, उस्ताद मानते हैं रफ़ी साहब को. तो मैं बचपन से रफ़ी साहब को पापा के थ्रू सुनता आया और पापा खुद बहुत अच्छा गाते हैं, और उस वक्त जब मैं छोटा था तब वो अच्छा गाते थे. अभी उनकी थोड़ी उम्र है तो इस हिसाब से वो थोड़ा सुनते हैं. और रफ़ी साहब हमारे घर में मतलब देव की तरह हैं, जैसे पैगंबर की तरह हैं. हम उनको उस नज़रिए से देखते हैं और दुनिया भी उनको आवाज़ का शहंशाह मानती है. तो मेरे पास एक हारमोनियम है जो रफ़ी साहब का दिया हुआ है पापा को. उनके पास कुछ हारमोनियम्स थे तो पापा ने कहा कि मेरे पास रियाज के लिए कुछ है नहीं, तो रफ़ी साहब ने बोला ये हारमोनियम ले जाओ. तो वो आज भी हमारे घर पे हैं. और जब पापा उनके इर्द गिर्द रहते थे तो काफ़ी क्लोजनेस थी रफ़ी साहब से पापा की. तो मेरा जो नाम शाहिद है वो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं रफ़ी साहब का दिया हुआ है. रफ़ी साहब बोलते थे पापा को, अरे मुंडिया शादी कर ले, ये है वो है, पापा बताते हमें. तो ऐसी ऐसी बातें होती. फिर एक बार बोले कि रफ़ी साहब अगर मेरे बच्चे में तो उनका नाम क्या रखूँ, इतना काफ़ी कुछ था. बोले यार बड़ा मुश्किल सवाल है, ऐसा करना जो मेरे बच्चों को तो अपने बच्चों का रख लेना. और जब मैं हुआ, पैदा हुआ, तो घर वालों ने मेरे नाम कुछ अलग अलग रखवाए थे. नाना जी ने अलग, नानी ने अलग, मामाओं ने अलग. ननिहाल में था मैं तो पापा को रफ़ी साहब की वो बात याद आई और उन्होंने कहा कि इसका नाम शायद रखेंगे क्योंकि रफ़ी साहब ने कहा था एक बार. ओह माय गॉड, तो उनकी ब्लेसिंग्स हैं मेरे साथ. अमेजिंग, क्या क्या बात है. शाहिद ये बताएं कि आपका जो स्ट्रगलिंग वाला फेज था वो पूरा पीरियड किस तरह से बिताया, और वो स्ट्रगलिंग फेज में आपने अपनी हिम्मत कैसे बनाए रखी? बहुत सारी मिक्स फीलिंग्स हैं इस क्वेश्चन के लिए, बिकॉज बहुत मुश्किल दौर था. और बॉम्बे में जब तक आपके पास काम नहीं है और गारंटी नहीं किसी चीज़ की, तो आप वैसे ही आपके होश उड़े रहते हैं, क्या किया जाए, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा. मुझे तो 3 साल तो बॉम्बे देखने में लग गए, लेफ्ट राइट कौन सा है, वन वे कौन सा है, और ये क्या है वो क्या है. और यहाँ के फ़ोटो स्टूडियो पे भी नहीं लिखा होता कि वो फ़ोटो स्टूडियो है या रिकॉर्डिंग स्टूडियो है. काफ़ी ज़ीरो से स्टार्ट किया, हर चीज़ को ज़ीरो से देखने मिला. ऐसा लगा कि नहीं हो पाएगा, लेकिन घर वालों का जो हौसला था वो मुझे मिलता रहा. और मेरा घर में नाम लॉटरी रख दिया था सब लोगों ने. मेरे ब्रदर से बोला मम्मी तुम्हारी लॉटरी कब निकलेगी, तो मेरा नाम, मुझे बहुत बुरा लगता था, मुझे लॉटरी बोलते थे. मतलब मेरे से छोटे बहन भाई मुझे लॉटरी बोलने लग गए, जो मेरी रिस्पेक्ट करते थे वो मुझे बहुत ही हल्के में लेने लग गए. और मुझे एक दिन गुस्सा आया, मैंने
घर से निकला मैं कि मुझे गाना बजाना कुछ नहीं है, मैं जाके कोई काम करूँगा. और मैं एक दुकान पे गया, उस दुकान पे वो तेल के कंटेनर्स होते हैं ना, जो राई का तेल होता है, इसको यहाँ से वहाँ डिलीवरी 18-18 किलो के वो गैलन्स होते हैं, साइकिल पे, मतलब एक डिलीवरी बॉय जैसा काम था कुछ. तो मैं उस दुकान पे गया, उन्होंने बोला क्या गारंटी क्या है. तो पता नहीं मैंने कुछ उस वक्त बोला था उनको, मैंने बोला कि आपकी क्या गारंटी कि आप मुझे तनख्वाह दोगे, फिर भी मैं काम कर रहा हूँ ना, मुझे एक महीना करने दो. तो उनको मेरी बात शायद अच्छी लग गई और उन्होंने बोला कि हाँ कपड़े बदल के आ जाओ, ये तो अच्छे कपड़े हैं, कुछ ठीक ठाक, क्योंकि तेल लग जाएगा आपको, ग्रीस व्रीस ऐसा कुछ. मैं घर गया, मैंने खराब फटे पुराने कपड़े से पहनने लगा तो मेरे घर वाले सारे इमोशनल हो गए. मैं क्या कर रहा है, मैं काम लग गया हूँ. तो सब ने पकड़ लिया कि नहीं आज के बाद हम तुम्हें लॉटरी नहीं बोलेंगे, तुम मेहनत ही करो गाने के लिए, हम लोग चाहते हैं कि तुम आगे बढ़ो. तो सबकी आंखों में आंसू थे. No, quite emotional, I'm sure. And बताएं शाहिद की like you know उस वक्त social media, digital phones तो थे ही नहीं, तो मुंबई शहर में industry में पहुंचने के, industry में लोगों तक पहुंचने के लिए आपको काफी time लग गया होगा. तो वो phase में आपने किस तरह से, मुझे किसी भी एक बड़े नाम से मिलने के लिए 6 months लगता था. हालांकि मैं ऐसा नहीं कि एक ही जन के लिए 6 महीने वेट कर रहा हूँ, मैं उस दौरान 20 लोगों को ऐसा अपने लिस्ट में रखता था कि हाँ इनसे मिलना आज कल, इनसे मिलना परसों इनसे. लेकिन अगर आज मैंने किसी को अप्रोच किया तो उनसे मिलने के लिए मुझे 6 months लग जाते थे. तो उस समय वैसा ही होता था, स्टूडियो के बाहर बैठे हैं, सुबह से शाम हो जाती थी और खाना सुबह एक बार खा के आते थे घर से, उसके बाद ज़्यादा पैसे नहीं होते थे, एक दो वड़ा पाव खा लिया, उसके बाद मैं फिर चाय पे ही सारा दिन चलता था. फिर कई बार बस के पैसे नहीं होते थे तो पैदल घर जाते थे. वो चीज़ को मैंने बहुत करीब से देखा है, भूख को करीब से देखा है, परेशानियों को करीब से देखा है. आज गाड़ी में एक छोटा सा मच्छर आ जाता तो हम लोग गाड़ी रोक के उसको मच्छर को निकालते हैं. और एक ऐसा वक्त था कि हम मच्छरों के घर में रहते थे, मच्छर भीन बनाते रहते थे ऊपर, वो भी एक वक्त था. तो अल्लाह का शुक्र गुज़ार हूँ मैं कि मुझे थोड़ी थोड़ी चीज़ें मिली हैं जो मुझे आज बहुत बड़ी लगती हैं. और ये है कि आई हैव नो वर्ड्स, आई एम वेरी थैंकफुल टू गॉड. आपकी स्पिरिचुअलिटी ने आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प किया, ऐसा कह सकते हैं? बिल्कुल, मैं बचपन से हर पॉजिटिव प्लेस पे जाता रहता हूँ और पापा लेके जाते थे मुझे. सबका मालिक एक है, सब मसब में एक ही चीज़ लिखी है कि अमन चैन से रहो, किसी के साथ धोखा मत करो, दुख मत पहुँचाओ. तो वो सारी किताबें एक ही बात कहती हैं और हमारे घर में भी वही माहौल है कि किसी के साथ दगा करना सबसे बड़ा गुनाह है. आप चाहे कितने पढ़े लिखे हो, कितने एजुकेटेड हो, अगर आप दिल से किसी का साथ नहीं दे रहे फिर आप कुछ भी नहीं हो, इंसान की कैटेगरी में तो नहीं हो. और मॉम का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहा लाइफ में, उन्होंने हर कदम पे पॉजिटिविटी भरी. और जैसे कहते थे ना कि कुछ नहीं होते हुए भी ऐसा लगता था लोगों को इनके पास बहुत कुछ है, तो वो एक पॉजिटिव एटीट्यूड आज भी मायने रखता है मेरे लिए. ट्रू ट्रू, पॉजिटिव एटीट्यूड. तो जो सिंगर्स आज स्ट्रगल कर रहे हैं, जो भी म्यूजिक इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, तो उनके लिए कोई खास मैसेज? मैसेज ये है कि देखो, ये म्यूजिक इंडस्ट्री किसी के बाप की नहीं है, सब आइए और दिल से आइए और बस इतना श्योरिटी करके आए कि आपके जो फ्रेंड्स हैं, आपकी जो फैमिली है और आपके जो वेल विशर्स हैं, उनसे ज़रा राय मशवरा ज़रूर करके आएँ. क्योंकि बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे भी होते हैं कि चढ़ा देते हैं, अरे तू तो जाओ थोड़ा तो, लेकिन आपके जेन्युइन जितने भी फ्रेंड्स हैं आप उनसे मशवरा करेंगे, सच में मैं जाऊँ क्या, मैं कर सकता हूँ, अगर वो आपको बोलते हैं तो ज़रूर आइए. ये शहर आपका है और ये इंडस्ट्री आपकी है और हर वो चीज़ आपकी है जो आप जिसके वो डिज़र्व करते हैं. और यहाँ आइए राइट एटीट्यूड के साथ और किसी को हराने के लिए मत आइए, जीतने के लिए आइए. वाओ, लेकिन जब आप बैकिंग वोकल्स कर रहे थे या जब बैकग्राउंड सॉन्ग्स गा रहे थे, बजरंगी भाईजान जैसी बड़ी फिल्म में भी यू नो यू हैड संग, बट यू नो वो इतना बड़ा सॉन्ग, मतलब जिस तरह से इक कुड़ी हुआ या राधा हुआ, इस तरह से बाहर निकल के लोगों को पता नहीं चला उस वक्त कि यू नो दिस इज शाहिद माल्या, बट उस वक्त आपने किस तरह से वो फेज, उस वक्त मेरे लिए एक लाइन भी किसी फिल्म में आना, ऐसा लगता था कि मेरा बहुत बड़ा सॉन्ग है ये और
किसी एक 100 करोड़ की फिल्म हो चाहे 80 करोड़ की हो, वो करोड़ों की फिल्म में मेरे अगर मैं किसी से 20 सेकंड भी इंगेज करता हूँ मेरी आवाज़ के साथ, तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ उसके लिए. और मेरे लिए बड़ी बात होती है कि लोगों को बोलने के लिए मेरे पास कुछ हो जाता था कि हाँ मैंने इतना कुछ किया है, तो मेरी एक प्रोफाइल बनती जा रही थी, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी वो. वाह, अलग अलग बड़े बड़े म्यूजिक कंपोजर्स के साथ आपने काम किया है, जैसे प्रीतम दा हो गए, अमित त्रिवेदी हो गए, तो उनके साथ के आपके एक्सपीरियंसेस किस तरह से उन्होंने आपको फीडबैक दिया जो आपको बहुत काम आया? जब मैं गाता हूँ तो मुझे डबिंग में मुझे आके हक मिला है कंपोजर्स की तरफ से, तो ये मेरा सबसे बड़ा अवार्ड है, चाहे वो कोई अवार्ड तक ना पहुँचे, लेकिन जब कंपोजर खुश हो जाते हैं तो मुझे लगता है कि मैंने अपना बेस्ट दिया है. Wow, I think it is so amazing that your songs have touched not just the composers in at that time in the recording studio, लेकिन जब वो गाना रिलीज होके हम तक पहुंचता है तो it definitely touches. प्रीतम सर still till everyone, शाहिद मेरा फेवरेट है, शाहिद बहुत अच्छा है, मतलब वो मैं भी सबकी तारीफ करते हूँ लेकिन मुझे वो बच्चे की तरह रखते हैं. और सेम अमित त्रिवेदी सर बहुत प्यार करते हैं और बहुत ही फ्रेंडली जोन में आके वो काम करते हैं. विशाल शेखर सर वो भी बहुत, मतलब ऐसा फील नहीं होता कि मैं किसी बहुत ही नामी लोगों के साथ काम करूँ, ऐसा फील होता कि एकदम साधारण लोग हैं और वो कंफर्ट जोन वो दिलाते हैं, तब जाके कहीं हमारी आवाज़ निकलती है. इतने सालों से ये लोग काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो बहुत ही ब्लेसिंग वाली फीलिंग आती है कि ये इनके साथ खड़े रह के काम कर रहे हैं, अच्छा काम हो रहा है. फिर शंकर एहसान लोय साहब के साथ भी काम किया. शंकर साहब खुद इतने अच्छे सिंगर हैं, तो उनके सामने रिकॉर्डिंग करने का मतलब है कि या तो गाओ या घर चले जाओ, ऐसा वाली फीलिंग है. तो मैंने जब गाना गाया 2 स्टेट्स में उनके लिए, हालांकि सॉन्ग सिंपल ही था लेकिन आवाज़ रिकॉर्ड कर रहे हो आप किसी कंपोजर सिंगर के सामने जो बहुत ही तगड़े सिंगर है, क्लासिकल ट्रेंड है, तो मैंने 15-20 मिनट में हो गया था गाना. और उसके बाद मैंने उनको ये बोला कि सर मैंने ये सोच के गाया कि आप थे ही नहीं स्टूडियो में, तो हो गया, अदरवाइज हम एक एक नोट में अटके होते हैं. वाओ, अमेजिंग. उसकी यस ऑफ कोर्स. और अमित त्रिवेदी के फैंटास्टिक उड़ता पंजाब का जो साउंडट्रैक था उसमें आपने एक नहीं बल्कि आई थिंक तीन गाने सॉन्ग गाए हैं. इक कुड़ी, चिट्टावे ऑफ कोर्स, एंड हस नचले इज लाइक शैली सर हैं उसमें लिरिसिस्ट, मैं उनका नाम लूंगा बिकॉज उनकी एक बहुत अच्छी ट्यूनिंग है अमित जी और शैली सर की, और दोनों ही बेहद सपोर्ट करते हैं मुझे, उनकी सपोर्ट की वजह से वो गाने बड़े अच्छे हुए. और अमेजिंग. हम आपके रूट्स में जाएंगे, पंजाब के रूट्स में जाएंगे, तो आपने किन आर्टिस्ट को बहुत अच्छे से सुना है और जिनसे इंस्पिरेशन ली है? आई इन पंजाब बहुत सारे सिंगर्स जैसे गुरदास मान साहब हैं, कुलदीप मानक साहब हैं, मास्टर सलीम बहुत अच्छे सिंगर हैं वहाँ के, और सरदूल सिकंदर साहब हैं, वो बहुत सारे नाम हैं. मैं क्या पूरा पंजाब ही एक सागर है, मतलब हर तरह का म्यूजिक है वहाँ पे, हर तरह की फीलिंग्स हैं, नाचने से लेकर रुलाने तक सब तरह की बातें हैं वहाँ पे. राजस्थान भी सेम, तो वहाँ पाकिस्तान रेडियो भी लगता था. तो वो नूर जहाँ के गाने, रेशमा जी के, मेहदी हसन साहब, गुलाम अली, तो वो रेडियो पे गाने भी सुन सुन के बहुत चीज़ें सीखी हैं. तो संगीत का तो कोई बाउंड्री होता नहीं, और सब जगह हवा एक जैसी है पूरी दुनिया में, वैसे ही संगीत एक जैसा है, पंछी नदियां पवन के झोंके, वही बात है. एब्सोल्युटली. ए सरिया बालम आओ नी पधारो मारे देश जी, पिया प्यारी रा बालम आओ नी पधारो मारे देश जी, केसरिया बालम अवोनी पधारो मारे देश. कितना मैजिकल है, कितना रिच है, और आप जिस तरह से गाते हैं वो कितना आपने अंदर लाइक यू नो एक डेडिकेशन और एक पैशन और एक एकदम
सूफी जोन में आप चले जाते हैं, जब आप गाते हैं तो कौन सी फीलिंग्स रहती हैं आपके अंदर? बहुत ही मिक्स्ड होगा वो पूरा वही सब माहौल वही है, वही मिट्टी की जो दात है, देन है, खुशबू है, वही है. और कोशिश करते हैं कि हर गाने में वो खुशबू थोड़ी थोड़ी आती रहे और संगीत का जो एक सोल है, संगीत का जो आत्मा है, वो जिंदा रहे. करेक्ट. और फोक म्यूजिक की बात की जाए तो आपके हिसाब से जो सिंगर्स हैं उन्हें फोक म्यूजिक को बहुत अच्छे से मेरे ख्याल से सुनना चाहिए, क्योंकि उसमें जो नेचुरल, जो एक रॉ बिल्कुल फील है. फोक म्यूजिक इज लाइक ब्लेसिंग, बिकॉज जैसे माँ बाप का आशीर्वाद आपके साथ हर जगह चलता है, चाहे आप US में हों, चाहे कैनेडा में हों, चाहे कहीं पर भी हों, चाहे आप बोर्डिंग स्कूल में हों, घर से बाहर जाते ही आपके माँ बाप का आशीर्वाद आपके साथ रहता है. फोक म्यूजिक वही है, आप कहीं पे भी कुछ गाना गाते हो तो आपके अंदर आपके फोक म्यूजिक की खुशबू आती है तो ही वो लोगों को इम्प्रेस करेगी, आपका पता चलेगा आप किस प्रांत से हो, क्या हो. तो वो म्यूजिक अंदर रहेगा, वो आपके संगीत की एक ब्लेसिंग की तरह रहेगा. आप हिंदी गाएंगे तो भी वो अंदर से झलकेगा झलकेगा, आप किसी न किसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं वहाँ पे. अमेजिंग. तो म्यूजिक इंडस्ट्री में इतने साल अभी आपने बिताए हैं, तो आपने कौन सी ऐसी दो चार बातें हैं जो खास सीखी हैं और आप लिसनर से शेयर करना चाहेंगे? मेरे हिसाब से इंडस्ट्री में, क्योंकि ये इंडस्ट्री नाम है बट ये म्यूजिक से रिलेटेड इंडस्ट्री है, और म्यूजिक बहुत ही इमोशन वाला काम है और इबादत काम नहीं है, इबादत ही है, एक्चुअली इबादत है ये. और इस लाइन में, इस सही शब्द ये होगा कि इस म्यूज़िक के जोन में जितने भी लोग हैं वो सब जब तक हम्बल नहीं है, जब तक दिल से क्लियर नहीं है, तब तक संगीत उनसे दूर ही रहेगा. आप कुछ भी बनाइए, कवर बनाइए, रिमिक्स बनाइए, गाना बनाइए, ये बनाइए, वो बनाइए, पॉपुलर हो जाएंगे लेकिन वो कुछ टाइम के लिए, जब तक आप दिख रहे हैं, जब तक आप बज रहे हैं. अगर आप कोई काम दिल से करते हैं, क्योंकि संगीत एक्सेप्ट नहीं करता विदाउट हार्ट एनीथिंग, हार्ट दिल के अंदर वो चीज़ सच में होनी चाहिए, वो प्यार छलकना चाहिए, वो इमोशन छलकना चाहिए, वो बात. तो मैं कोशिश करता हूँ कि ऐसा कुछ रहे मौसीकी में, संगीत में. तो सभी जितने भी म्यूज़िक में आना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, उनसे यही गुजारिश है कि वो दिल से करें काम. वो थ्री इडियट्स वाली बात है कि एक्सीलेंसी के पीछे भागेंगे तो फिर कामयाबी आपके पीछे भागेगी. सुपर सुपर. एक्सीलेंस के पीछे आप भागें तो अपने आप कामयाबी आपके पीछे भागेगी. वाह, सुपर, अमेजिंग. और हमें ये जानना है आपसे शाहिद ऑन दिस एपिसोड दैट व्हाट इज योर क्रिएटिव डिसिप्लिन. मेरे हिसाब से सिंपलिसिटी इज द की. और मैं नीचे बैठा हूँ तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं चेयर पे बैठा हूँ, मैं किसी तख्त पे बैठा हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता. मुझे फ़र्क पड़ता है कि मैं किसी के साथ जो बिहेव कर रहा हूँ उससे वो खुश है या नाराज़ है. वो खुश हैं तो मैं आगे बढ़ते रहता हूँ, नहीं तो अपने आप को फिर ठीक करता हूँ, फिर आगे बढ़ता हूँ. ऐसा है. Wow, amazing. I think simplicity is what, and then we can see that simplicity in your work also. I think so. अगर नहीं दिख रही तो मुझे आप बताएं, मैं ठीक करता हूँ उसको. Amazing. शाहिद बताएं, independent space में क्या आप कुछ ऐसा सोच रहे हैं? Because I strongly feel that you should definitely get the rich culture, जो आपके जो rich music का जो background है आपका, वो उसमें उस zone में आप कुछ अलग म्यूजिक हमें दे. रिसेंटली आई हैव डन अ वीडियो सिंगल और मैंने गाया उसे, और रोमांटिक ट्रैक है, और नेक्स्ट मंथ वो रिलीज होगा. ओह वाओ. तो मैं फिर आऊँगा और आपको सुनाऊँगा नेक्स्ट शो में वो गाना. तो उस ट्रैक में मैं भी फीचर्ड हूँ, तो मैं थोड़ा सा दिखूँगा उस वीडियो में. Amazing. और एक बेहतरीन एक्ट्रेस हैं, अदाकारा हैं, उनका नाम है सना शेख. yeah, वो भी course. उसमें बहुत अच्छा एक्ट किया उन्होंने. और आप सब ऑडियंस और देखने वालों से सबसे गुजारिश है कि वो जब गाना आए तो अपना प्यार उसे जरूर दें. वाओ, अमेजिंग. और आपने उसे कंपोज भी किया?
जी मैंने उसे लिखा है और कंपोज भी किया है. Oh, amazing. I think we are so looking forward for this new single of yours. All the very best and, you know, please accept all the love from your fans. Thank you so much. You know, we love your songs. Thank you so much for giving us so much time for our podcast, for our listeners. ताकि आप अपनी life story से कुछ ऐसे, you know, किस्से सुनाएं. जहाँ पे हमें इंस्पिरेशन मिल सकता है. तो आई एम सो हैप्पी दैट यू केम हियर टुडे. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच योर एक्सपीरियंस इज वेरी कमाल. बिकॉज पॉडकास्ट के बारे में सुना था मैंने और आज मैं खुद पॉडकास्ट का एक हिस्सा हूँ. और इसकी ख़ास बात यह है कि आप इसे कभी भी कहीं भी सुन सकते हैं. और हम जैसे कलाकारों के जीवन के बारे में आप जान सकते हैं. और अगर कुछ सीखने लायक है हमसे तो हम सीख सकते हैं. तो हम कोशिश करते हैं कि हमसे जो बन पड़ा हमने कोशिश की वो आपको सुनाया, दिखाया, बताया. तो आई एम रियली थैंकफुल इवा जी यहाँ जो इंटरव्यू कर रही हैं. और वो ऐसे ही आगे बढ़ते रहें. इनके पूरी टीम को, चैनल को मैं अपनी तरफ से शुभकामनाएं देता हूँ. Thank you so much, Shahid. And we are looking forward for all the amazing songs. Thank you. Thank you so much for coming thank to so the much, podcast. Thank you so much. So do check out this podcast, which is available on all leading podcast platforms, on IVM podcasts or even music streaming apps like Spotify, Jio7. You can also rate and review us on iTunes, that is Apple Podcasts. So do subscribe to the podcast where music inspires.